तुम दोनों बिना शर्माए एक साथ बताओगे कि तुम्हें एक दूसरे से क्या चाहिए। Hi Varun, hi Kiara. You're looking damn pretty as usual. Okay, so we have been watching you everywhere, like Pune, Ahmedabad, and now we are in Kolkata. How are you feeling in Kolkata? Bhalo. Ekdam bhalo, ekdam khush hai. But since I've been in Kolkata, since morning I've been asking for Mishti Roy, and I've not been able to get it because we went to Flurries, and Flurries pe wo rum cake khaya hum logon ne. But I'm still on the lookout for Mishti Roy. So by the time the day ends, or maybe after this, we have to get it. You surely get it. Okay. So can you tell me, Kiara, aapke saath shoot ke time par ek prank hua tha, I guess, sutron ke mutabik. Kuch share karna chahenge iske bare mein? Wow, Sina, yahan se prank pe chali gaye. But before I answer your question, thank you everyone for being here today. We've been wanting to come to Kolkata since we knew we were marketing the film, because obviously Kolkata is a very, very special place, and it's also the audience of our film. We feel this is the right audience for our film. We know what a warm city is, a city of joy, and our film is a film of joy. So we had to come here to spread that joy. So thank you all for being here. Before I get into the pranks, I have to say that the film is full of surprises and full of musti, and you know, it's all on relationships, and it's a family entertainer. So naturally, my family, my on-screen family, couldn't but help pull off a lot of surprises and pranks on all of us, and that's the camaraderie we just had on set. So yeah, I think Varun can tell you, because Varun is our musti core prankster. He's going to put it on YouTube, so we'll save it for our YouTube version. Thank you so much. Let's go, guests, to the press. Over to the press. Thank you. हैप्पी मैरिज देखी है अपने घर में, तो नेचुरली मेरे दिल में, और जब से मतलब फॉरएवर आई ऑलवेज फेल्ट कि आई बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. तो पर्सनली मुझे लगता है कि शादी करनी चाहिए हर किसी के फेज में. यू नो, देयर इज अ नेक्स्ट चैप्टर इन योर लाइफ. इट इज अ जर्नी, बट मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक इट्स चूजिंग द राइट लाइफ पार्टनर. और वरुण का क्या कहना है? वो तो एग्जाम्पल है यहाँ पे कि तो अभी नहीं शादी, एक ही बार करना चाहिए और मैं कर चुका हूँ. तो बट दिस फिल्म आई थिंक मोर आई थिंक इट्स अ फैमिली एंटरटेनर है, बहुत मनोरंजन करने के लिए बनी हुई है. एंड सिचुएशन ऐसी है कि हमारी शादी, वी हैविंग सम प्रॉब्लम्स आफ्टर गेटिंग मैरिड, एंड मैं वापस आता हूँ और मैं अपने पापा को बोलना चाहता हूँ कि पापा नहीं जम रहा है हमारा. तो बिफोर मैं बोल पाऊँ उसको, पहले पापा मुझे बोल देते हैं कि वो मम्मी को छोड़ना चाहते हैं. तो वहां से कॉमेडी शुरू होती है एंड सिचुएशन शुरू हो जाती है. एंड एंडिंग इज अ वेरी गुड टेक एंड अ ग्रेट मैसेज विच द फिल्म हैज, अ वेरी प्रोग्रेसिव मैसेज. आई थिंक द एंड विल बी नॉट जो यूजली एंड होता है ना हिंदी फिल्मों में इनफिडेलिटी को लेके, इट वोंट बी दैट. इट विल बी समथिंग लिटिल सरप्राइजिंग एंड प्रोग्रेसिव, व्हिच आई थिंक ऑडियंसेस इन कलकत्ता विल एंजॉय एंड बंगाल विल एंजॉय. इस फिल्म में जो में जी हिट ना है पंजाबी साज, नाच पंजाबन, नाच पंजाबन, नाच पंजाबन. रिश्ता टूटने की कोई एक वजह नहीं होती, बहुत सी अधूरी लड़ाइयों की थकान होती है बस. देखिए, आई फील कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विद द एज ऑफ सोशल मीडिया एंड विद द एज ऑफ एज वी गो इन टू द फ्यूचर, थोड़ा सा मैसेज आता है लोगों को टू बी इंडिविजुअलिस्टिक, वो हो जाता है 100% एंड पीपल गो थ्रू फेजेस. बट ह्यूमन बींग जो है वो सोशल एनिमल्स हैं, तो उन्हें हमेशा ग्रुप्स में रहने के लिए ज्यादा अच्छा लगता है. जैसे आप लोग भी ग्रुप में आए, हम लोग भी ग्रुप में आए. जो कोई भी व्यक्ति अकेले कुछ नहीं कर सकता, एक टीम की जरूरत होती है. सो आई डोंट फील कि ये कम होगा कभी, प्यार कभी कम हो ही नहीं सकता है.
इंसानों के बीच ह्यूमैनिटी विल ऑलवेज ऑलवेज एग्जिस्ट एंड लव विल ऑलवेज एग्जिस्ट एंड व्हाट इज लाइफ विदाउट लव जाहिर है उसकी शादी हो जाने तक इस डिवोर्स के डिसीजन के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। कौन से पापा अपने बच्चे के डिवोर्स के बारे में सुनने के लिए जोन में होते हैं? मैं बात कर रहा हूँ ना। कब? ये बीवियाँ शादी के बाद इतनी बोरिंग क्यों हो जाती है? पापा आपने मेरी मुंह की बात छीन ली है। अरे ये बीवियाँ मुंह से निवाला छीन ले। हम तो बहुत खुशकिस्मत है कि हमें ये मौका मिला उनके साथ इस फिल्म में काम करने का। ऑल्सो नीतू मैम को वापस, यू नो, शी इज कमिंग बैक, यू नो, डूइंग अ फुल फ्लेज्ड मूवी आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। एंड अनिल सर इज द यंगेस्ट सुपरस्टार ऑन आवर सेट। ही इज अ लेजेंड, बट हिज एनर्जी, हिज यूथफुलनेस दैट ही इज नॉट लेफ्ट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंस्पायरिंग। और आई थिंक वी जस्ट गॉट अलॉन्ग लाइक अ फैमिली। जैसे ही हम चंडीगढ़ पहुंचे जहाँ पे वी स्टार्टेड द फिल्म शूट, वी गॉट अलॉन्ग। इट वॉज ऐसा कभी नहीं लगा दैट वी वर, यू नो, देयर वाज अ सीनियोरिटी और यू नो देयर वाज नेवर एनी हायरार्की, बिकॉज सो ऑलवेज, यू नो, ही वुड लाइक टू, ही वुड मेक अस कम टू हिज रूम टू ईट, ही वुड कॉल ऑल ऑफ अस, दिस इज बर्थडे, वी सेलिब्रेटेड दिवाली, वी सेलिब्रेटेड क्रिसमस ऑन सेट। सो आई फेल्ट ही ऑलवेज केप्ट एवरीबॉडी टुगेदर, द एंटायर यूनिट, नॉट जस्ट the cast but even the crew, all our teams, he made the, उन्होंने मतलब एक जो भी celebration था वहाँ पे किया ना, 10 बजे सो गए। She is a very old soul, I want you to know, and Anil sir is a very young soul. The truth is by 9:30, 10, उनका she starts yawning and saying, हाँ भाई we'll party, हो जाता है बस बत्ती बंद हो जाती है। मैं set पे late नहीं पहुँचता था, मैं van में late पहुँचता था, क्योंकि मुझे पता है कि सी जब बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं मुझे पता है कि ये लोग इसका इतना टाइम। सो मैं एंड आई टेक लिटरली 5 to 10 minutes टू गेट रेडी, लिटरली, एंड आई कैन चेंज इवन माय वॉकिंग, आई एम नोन फॉर दैट। सो वी ऑल रिप्लेस दैट ऑन सेट। सो आई रीच फास्ट, बट नीतू मैम ने हम सबको सरप्राइज कर दिया, बिकॉज शी वुड बी द अर्लीस्ट ऑन सेट, अर्लीस्ट, शी वुड बी बिफोर 10, एंड आई डोंट थिंक देयर्स बीन एनी इंस्टेंस वेयर अनिल सर हैज बीन लेट। You know, जब हम शूट कर रहे थे, एवरी मॉर्निंग बिफोर शूट वी वुड मेक अप, यू नो, गेट रेडी फॉर शूट, अनिल सर वुड मेक अप 1 hour earlier एंड स्टार्ट रनिंग, जॉगिंग। ही नेवर मिस्ड अ वर्कआउट, और एक नहीं दो बार ही वुड वर्कआउट बिफोर शूट एंड आफ्टर शूट। वरुण तो ऑब्वियसली ही इज अ जिम जंकी, पर अनिल सर्स डेडिकेशन एंड हिज just the way he would his lifestyle is so clean and so fit that I have to say at his age to have this empty heart. अभी recently हम मतलब कल ही दिल्ली में थे, और अगर आपने देखा होगा there are videos of us dancing on stage, हम एक मॉल एक्टिविटी कर रहे थे, और अनिल सर he was dancing on नीतू मैम song एक मैं और एक हूँ, and if you see the way he is jumping and jogging, मतलब we were panting, मतलब we were turning around, सांस ले दो बिफोर द नेक्स्ट सॉन्ग, सांस, सो व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड एट हिज एज टू डू दैट इट्स कमेंडेबल। आई होप वी रीच दैट। सोशल मीडिया पे जस्ट पोस्टेड सम पिक्चर्स ऑफ वर्ल्ड योगा डे, एंड आई हैव बीन कमेंटेड दैट आर यू एन एलियन सर, बिकॉज मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है जो बेंजामिन बटन का जो चल रहा है उनके साथ, इट्स अनबिलीवेबल। वरुण, आपकी ये फिल्म 2.5 साल बाद आ रही है, कितना उत्साहित है? बहुत सर, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड ये मुझे एक्चुअली वेवर, हम लोग बहुत सारे सिटीज में गए इंडिया में, सब मुझसे पूछ रहे आप एक्साइटेड हो, आई यू प्रेशराइज, बट आई वांट टू से कि वी ऑल बीन थ्रू अ पैंडेमिक, और हम सब ने किसी ना किसी को खोया है इसमें, एंड जिंदगी बदल गई, बट आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू गॉड कि हमें ये मौका मिल रहा है कि हम लोग वापस ये कर पा रहे हैं, आपस में मिल पा रहे हैं, आप लोग सब आपस में बैठ पा रहे हैं, हम लोग जाके पेस्ट्री या कुछ खा पा रहे हैं। हमें ये पता नहीं था कि ये टाइम वापस आएगा या नहीं, as human beings, forget, हम लोग एक्टर है वो सब छोड़ दो, आप काम करते हो वो सब छोड़ दो, बट जस्ट इंसानों की तरह हमें ये वापस भगवान ने, डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने ये मौका दिया है कि हम लोग अपनी जिंदगी रिस्टार्ट करें, एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू दैट, एंड आई वांट टू रिस्टार्ट इट ऑन अ वेरी डिफरेंट नोट, एंड मुझे वो वापस की फिजूल की टेंशन एंड प्रेशर वो नहीं लेना। आई लव द ऑडियंस, एंड आई मैं बोलना नहीं चाहता कुछ स्टोरी के बारे में, बट एक व्यक्ति के साथ, आई मीन इट रिसेंटली हैपन टू मी, वे यू नो इट ऑलवेज हैपन जब आप एक सर्टेन एज के हो जाते हैं और आपके माता पिता की तबीयत ठीक नहीं होती है,
तो वो बहुत फिकर हो जाती है बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू सी द मोस्ट पावरफुल फिगर इन योर लाइफ पीक, आप वो देख नहीं पाते हो, तो दैट मैं वो हैंडल नहीं कर पाता हूँ असल जिंदगी में भी। एंड पिक्चर में भी एक ऐसा सिचुएशन है वो आप देखिए जो भी है, बट है इमोशनल लाइक इन दो, एक बच्चे के लिए वही सबसे बड़ी आई थिंक स्ट्रेस होती है। तो अभी अभी कुछ ही दिन पहले हम पुणे गए टू प्रमोट द फिल्म और वेरी काइंडली द मॉल हैड सेंट अस अ फोर सीटर चार्टर, तो बहुत छोटी सी, इट वाज लाइक अ जैसे गाड़ी है विद विंग्स, इट वाज दैट काइंड ऑफ अ फ्लाइट, सो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक वी वर सिटिंग इन द कॉकपिट, यू कुड सी द पायलट को पायलट, हम बैठे थे और हम रनवे पे थे, दे वर अबाउट टू टेक ऑफ, को पायलट एंड पायलट आर डूइंग यू नो देयर गेटिंग एवरीथिंग इन ऑर्डर, और वरुण बैठा है यहाँ पे और पूछा है सर फाइटर जेट्स इस वेदर में फ्लाई कर सकते हैं, ना तो को पायलट इज थिंकिंग मैं मतलब मैं शुड आई स्टार्ट फ्लाइंग और शुड आई आंसर इज क्वेश्चन इज लाइक सर नॉट इन दिस वेदर, नहीं बट अगर इफ देयर इज अ वॉर देन व्हाट हैपेंस, सो आई लुक हियर वरुण शट अप लेट हिम स्टार्ट फ्लाइंग, सो दैट्स वरुण, ही इज ऑलवेज अप टू समथिंग, ही डजंट थिंक अबाउट कहां है, नो फिल्टर, जो दिल में है वो बोल देता है पूछ लेता है, बट लकीली वी टुक ऑफ एंड वी रीच सेफली and we have to thank that pilot co-pilot because Varun asked them so many questions but after a while he did get back in boy seatbelt and sat like a good passenger. Last two questions. Well, I went with the flow when I signed these films, so God has been very kind, the audience has given a lot of love and I just want to keep that same, you know, purity when I sit for a narration and I say yes to a script. I want to have that same purity with whatever films I choose. I feel for me personally, I've always looked at films as an audience when I'm hearing it. I always feel if I want to watch this film, then I want to be a part of it. So I hope that, you know, there comes a day where the audience says, okay, if Kiara's chosen this film, then we want to be a part of it. I mean, we want to come in and watch it. And that's what happened when, you know, with Sher Shah or with Bhool Bhulaiya now. The kind of love we've gotten has been so unanimous and I'm really hoping for the same with Jug Jug Jiyo. Bas, I hope the audience keeps telling me also Jug Jug Jiyo and that's all that will make me happy. And Varun, I've already in Kolkata spoken to me about Octo. So I'm just very grateful for the love. I have to say that because I know this is Sujita's town. And I appreciate the fact that people love that film because it's very close to my heart. So I'm always trying to mix it up at least from the beginning of my career because I am that kind of a person. I just love cinema and I love all kinds of films, you know, whatever genre they are. And I can't ask for a better film than Jug Jug Jiyo because it's a film about love, about relationships. And I always believe that actors in India get love when they connect with the audience, when they are in the audience's heart, like Mr. Shah Rukh Khan, you know, he's not had a release for so many years, but he's still in people's hearts. So whenever his film is going to come, it's going to connect because people love him. So that's what I feel. I don't want to kind of show that I'm this big star and I can do this and I have this and I'm that. I just feel I want to make a good film and not waste people's time. Because we can come and promote this film and say everything. Ultimately, the film has to be good. And all we want is on this Friday that people from Kolkata give it a chance. We just want people from Bengal to give Jug Jug Jiyo a chance and then it's the film which has to be done. That's all. Thank you so much. This was the conversation. Pankaj sir is an inspiration to all of us. What a brilliant actor and best of luck to Pankaj sir for Sher Dil. It's a very noble film from what I've heard. And looking forward to that, also doing very well, finding its audience, and all kinds of films should be encouraged and loved, and that's all. Anything you want to say to the audience, why Jug Jug Jiyo? Please watch Jug Jug Jiyo, it's a film which has a lot of entertainment, a lot of comedy, emotions, there are things in this film which I don't reveal, but it's worth your while, definitely. I'm not just saying this, I'm promoting the film, we all truly believe it's a good film and it will be worth your money. Yes, exactly. This idea. See, they all, you all know that that's... Yes. Of course, everybody knows. Yeah, so... I'm not reading it. This Alia is also amazing. And I feel she's already proved what she had to prove in the last couple of releases. When I started working with her, I thought I was just working with
an actress and she's doing well and this, and now she's this youth superstar. And I feel the difference already with the way people are reacting to her when we are going around, which is amazing. And I just wish her all the success and she has. But more than anything, more than being famous and becoming a superstar, more than anything, what I truly believe is that Kiara is very, very talented and she's just scratching the surface with her talent. And I hope she gets more and more of these directors who pull out the talent from her. And I hope she can work with some of these. I hope she can work tomorrow with the Sujita or with the, you know, with the Sriram or with these kind of directors who pull out that performance from her which nobody is expecting Kiara to do. Like, I love her in Guilty. I think it was one of the most fantastic performances I saw recently, what she did in Guilty, how she almost heroed the film. You know, she was the hero of that film. And she's just scratching the surface with the talent. And she just released a song today, actually, on Instagram. Nente Hire. So why don't you show everyone here a little bit more of her talent, which you hid in? Varun has become that parent, na? Ki chalo bacha, baba, aunty ko dikhao. He's become that. But thank you, that was so sweet of you, yeah. But you have to still sing. No. Yeah, I know, it's for that. They can hear it on Instagram. One. They can hear it on Reels. Do you ever want to sing one line? Yes. From Fiji, yeah. Like, you want her to sing or no? Yeah. It looks like it. Chalo, I'll sing two lines. Thank you. Thank you. Wow. Oh, that really sounded really good. Dude, I didn't think that really sounded good, right? डिवोर्स लेने का सोच रहे हैं। मैं तो कौन? ये दोनों और कौन? तुम दोनों? कान खोल के सुनो तुम दोनों। इस घर में ना कभी तलाक हुआ है और ना कभी तलाक होगा।